दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों की वीजा पॉलिसी भी बिल्कुल अलग अलग होती है। दो देशों के बीच कैसे संबंध है, कैसे रिलेशन से, इस पर वीजा पॉलिसी काफी हद तक डिपेंड करता है। जैसे कि एक देश के नागरिकों को दूसरे देश जाने के लिए किस तरह की वीजा लेनी पड़ेगी, या वीजा फ्री ट्रेवल होगा, या फिर उन्हें एम्बेसी जाकर अप्लाई करना होगा, या फिर ऑनलाइन वीजा मिलेगा, ये सारा कुछ दोनों देशों के बीच के आपसी रिलेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम इंडियंस का एग्जाम्पल लेते हैं, हम इंडियंस के लिए साउथ ईस्ट एशिया के अधिकतर देशों में वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटीज है, या फिर ऑनलाइन वीजा या फिर ई वीजा की फैसिलिटीज अवेलेबल है। कुछ कुछ देशों में तो वीजा हमें लगती भी नहीं है, जैसे कि नेपाल या भूटान का एग्जांपल ले लेते हैं, या कुछ कुछ देशों में वीजा बिल्कुल फ्री है, जैसे कि इंडोनेशिया, या फिर कुछ कुछ देशों जैसे कि मॉरिशस, मालदीव्स वगैरह में वीजा अराइवल की फैसिलिटीज अवेलेबल है। और हम इंडियंस के लिए लगभग 40 या 50 देश ऐसे हैं जहाँ पर हमें लगभग वीजा मिलना बिल्कुल आसान है, या फिर या तो वहाँ पर वीजा जो है बिल्कुल फ्री है, या फिर हमें वीजा अराइवल की फैसिलिटीज है। लेकिन दोस्तों, वेस्टर्न वर्ल्ड का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अमेरिका या यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इन सब देशों में वीजा मिलने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है, क्योंकि इनका प्रोसेस जो है थोड़ा सा इन देशों की तुलना में, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनके तुलना में थोड़ी सी इनकी वीजा पॉलिसी जो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, डॉक्यूमेंट्स को ये ज़्यादा अच्छे से चेक करते हैं, तो हमें थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। और काफ़ी हद तक वीजा रिजेक्शन का जो परसेंटेज है, वीजा रिफ्यूज होने का जो परसेंटेज है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किन किन कारणों से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रैवल विद आरडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं अपने चैनल पे हमेशा ट्रैवल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लाता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते ताकि नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीजा रिजेक्शन का सबसे पहला जो कॉमन कारण होता है वो है डॉक्यूमेंट का इनकम्प्लीट होना, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपको वीजा एप्लीकेशन के लिए मांगे गए हैं, अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप दिखाने में असफल रहते हैं तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि किसी भी देश की वीजा एप्लीकेशन में सबसे कॉमन जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो होते हैं फ्लाइट के आने जाने की टिकट, होटल बुकिंग के वाउचर्स, कवर लेटर, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। तो इनमें से अगर किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी मिसिंग हो तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा सबसे कॉमन कारण है डॉक्यूमेंट्स का मिसमैच होना, यानी कि अगर सभी डॉक्यूमेंट्स के में आपकी सिमिलरिटी नहीं है, यानी कि पासपोर्ट डिटेल्स में अगर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, होटल बुकिंग में आपका नाम कुछ और है, या फिर थोड़ी सी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर फ्लाइट की टिकट्स में अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर आपने जो इटनरी दी है उस इटनरी के हिसाब से आपकी डिटेल्स अगर मैच नहीं करती है, जैसे कि मान लिया कि आपने एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट दी है और आप ट्रेवल करते हैं किसी और एयरलाइन से, तो ये सारा कुछ जो है मिसमैच के दायरे में आता है। और अगर इस तरह की मिसमैच अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में पाई जाती है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा कारण है इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स देते हैं, या फिर कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स में भी वीजा अप्लाई करते हैं, तो भी आपकी वीजा रिजेक्शन की चांस काफ़ी बढ़ जाती है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स कहने का यह मतलब है कि कुछ लोग जो है फेक होटल बुकिंग्स टिकट दिखाते हैं, कुछ लोग डमी फ्लाइट के टिकट्स दिखाते हैं। तो दोस्तों, डमी फ्लाइट के टिकट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि डमी फ्लाइट्स की टिकट जो है सही भी है, गलत भी है। बहुत सारे लोग डमी टिकट्स दिखाते हैं और उनका वीजा अप्रूव भी हो जाता है, तो डमी टिकट्स दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि उनका वीजा रिजेक्ट ही हो ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एम्बेसी वालों ने उसे चेक किया, अगर ऐसा होता नहीं है कि 90% केसेस में वो चेक नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने चेक कर लिया तो आपका वीजा हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों, डमी टिकट्स इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मान लिया कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया और इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो वहाँ पर अगर वीजा रिजेक्ट हो जाती है तो आपको काफ़ी पैसों का नुकसान हो सकता है, जिसे बचने के लिए लोग डमी टिकट्स कराते हैं। तो दोस्तों, डमी टिकट्स गलत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इसमें ज़रूर होती है। और दूसरी बात है कि होटल की बुकिंग से रिलेटेड जो है, तो आप booking.com से आप होटल बुक कर सकते हैं, और उससे जो है ओरिजिनल आपका होटल बुकिंग के वाउचर्स आपको निकल जाता है, और उसमें आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते, तो booking.com का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट रिजेक्शन का चौथा सबसे बड़ा रीजन जो है वो है बैंक स्टेटमेंट, यानी कि किसी भी वीजा एप्लीकेशन में आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट या फिर लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट आपको दिखाने के लिए कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने पासबुक को अपडेट नहीं कराते, तो उनकी पासबुक में ऑल ट्रांजेक्शन रहते हैं, जैसे कि 1 साल पुरानी ट्रांजेक्शन है, या फिर 6 महीने के लिए दिखाने के लिए कहा गया है, लेकिन आपके पास 8 महीने पुरानी ट्रांजेक्शन है, आपने अब बहुत दिनों से अपने पासबुक को अपडेट नहीं कराया है, तो ये ओल्ड स्टेटमेंट लेकर अगर आप जाते हैं तो आपका वीजा रिजेक्शन की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, वीजा रिजेक्शन का पाँचवा एक कॉमन कारण होता है इनसफिशियंट बैलेंस, या आपके बैंक में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। तो दोस्तों, जिस देश में आप घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर आप खर्च पूरा कर पाएंगे या नहीं, या फिर आपके पास पर्याप्त बैलेंस है या नहीं, आप उस ट्रेवल को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपसे एक प्रूफ मांगी जाती है और आपको एक मिनिमम बैलेंस दिखाने को कहा जाता है। लेकिन अगर आपके पास वो मिनिमम बैलेंस नहीं है तो
आपकी वीजा रिजेक्ट भी हो सकती है। जैसे कि मान लिया कि आपने 15 दिनों के लिए किसी देश का वीजा अप्लाई किया, जैसे किसी बड़े देश जैसे कि मान लिया अमेरिका का वीजा अप्लाई किया या यूरोप का वीजा अप्लाई किया, और 15 दिनों के लिए अगर आप बैलेंस दिखाते हैं 1.5 लाख या 2 लाख, तो 15 दिनों के लिए हिसाब से ये जो बैलेंस है वो कम मानी जाएगी। तो दोस्तों विकसित देशों में आपको ज़्यादा बैलेंस दिखाना होता है, तो अगर आपके पास कम बैलेंस है तो आप उन्हें 15 दिनों का प्लान मत दिखाइए, अपने 7 दिनों का ही प्लान दिखाइए, जिससे कि उन्हें कोई शक ना हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिनों का प्लान दिखाएंगे और उसके हिसाब से अगर आपका बैलेंस कम हो गया तो दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट होगा, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है कैंसिल भी हो सकता है। या फिर दूसरी एक और कारण ये हो सकता है कि मान लिया कि आपने अपने इटनरी में आपने काफ़ी लग्जरियस ट्रिप दिखा दिया, मान लिया कि आपने 5-स्टार होटल बुक कर लिया, महंगे महंगे अब बिजनेस क्लास की फ्लाइट बुक कर ली, और यहाँ पर बैलेंस दिखा रहे हैं 2 लाख रुपए, तो आपकी वीजा रिजेक्ट हो सकती है। क्योंकि वो सोचेगा कि इटनरी में तो इतने हाईफाई तरीके से इन्होंने अपना इटनरी दिखाया, लग्जरी ट्रिप दिखाया, बैलेंस सिर्फ 2 लाख क्यों, 10 लाख क्यों नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जितने दिनों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बजट ट्रेवल या लग्जरी ट्रेवल जिस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं उसी के हिसाब से बैंक बैलेंस भी आपके पास होना चाहिए। दोस्तों वीजा एप्लीकेशन में एक और सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है वो है ट्रैवल हिस्ट्री, यानी कि आप इससे पहले कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं, आपके पासपोर्ट पे कितने ठप्पे या कितने स्टाम्प लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपकी पासपोर्ट अगर पूरी तरह ब्लैंक है, आपका पासपोर्ट फ्रेश है, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है, अगर आप पुराने ट्रैवलर हैं, बहुत सारे देश पहले ही घूम चुके हैं, तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। और जिस देश में आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपकी इम्प्रेशन जो है उसमें अच्छी होती है, और आपकी वीजा एक्सेप्टेंस की या वीजा ग्रांट होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। जैसे कि मान लिया कि आप पहले ही अमेरिका यूरोप घूम चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया की वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपकी वीजा ग्रांट होने की चांसेस काफ़ी इसमें बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कहीं भी अभी तक ट्रैवल नहीं किए हैं तो डायरेक्ट आप यूरोप या यूएस का वीजा अप्लाई करते हैं, तो इसमें रिजेक्शन की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों वीजा एप्लीकेशन में 7वां सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है पासपोर्ट की वैलिडिटी, या आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कितने दिनों की बची हुई है। अधिकतर देशों में यह नियम होता है कि आपकी पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होनी चाहिए, या कुछ देश ऐसा भी कहते हैं कि पासपोर्ट 3 महीने की वैलिड होनी चाहिए, या कुछ देश यहाँ तक कि 1 महीने की वैलिड वाले पासपोर्ट भी अलाउ करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट काफ़ी नज़दीक है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो बेटर होगा कि आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू करा लें और एक्सपायरी डेट जिसकी नज़दीक है उस पासपोर्ट के साथ वीजा अप्लाई ना करें, वरना आपकी वीजा रिजेक्शन के चांस काफ़ी हाई हो जाते हैं। दोस्तों 8वीं एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है इनविटेशन लेटर के आधार पर वीजा अप्लाई करना। जैसे कि मान लिया आपके विदेश में कोई फ्रेंड या फैमिली रहते हैं और उनसे मिलने के लिए आपको जाना है, और आपने उनसे इनविटेशन लेटर मंगा लिया और वीजा अप्लाई कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका वीजा हमेशा ग्रांट हो ही जाएगा, वीजा कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिनमें इनविटेशन लेटर के आधार पर भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिनके आधार पर आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर आपका वो कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, तो उस केस में आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपने क्लोज रिलेटिव के यहाँ ही जाएं, जैसे कि माँ बाप भाई बहन के यहाँ ही जाएं, तो आपका वीजा अप्रूवल के जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। या फिर ये देख लें कि वे वहाँ पर जिस वीजा के आधार पर रुके हुए हैं वो कोई टेम्प्रोरी वीजा तो नहीं है, या फिर उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वे आपका खर्च पूरा कर सकती हैं या नहीं, इस बात पर ध्यान दें, उसके आधार पर ही आप इनविटेशन लेटर पे वीजा अप्लाई कर रहे हैं। वरना एम्बेसी वाले को ये लगे है कि उनकी जब कंडीशन ठीक नहीं है तो वो आपको कैसे रखेंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों 9वीं एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अनसेटिस्फैक्ट्री बॉडी लैंग्वेज या अनसेटिस्फैक्ट्री प्लानिंग। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एम्बेसी वाले कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से उन्हें यह लगता है कि आप वहाँ पर कुछ और काम करने के लिए जा रहे हैं लेकिन आप वीजा अप्लाई कुछ और काम के लिए कर रहे हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीजा आपने अप्लाई किया है लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ से या आपके इटनरी से उन्हें कहीं से भी ये लगता है कि आप वहाँ पर कुछ और करना चाहते हैं, या फिर जाकर वहाँ पर वापस नहीं आएंगे, ओवर स्टे करेंगे, कुछ और काम वहाँ पर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में अगर एम्बेसी वाले को डाउट है तो उनका अधिकार है कि वो आपके वीजा को रिजेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी ना करें, कुछ भी सस्पिशियस काम ना करें, और जो भी बातें जो साफ साफ बताएं, कोई भी डाउटफुल बातें उन्हें ना बताएं जिससे कि आपको उन्हें आप पर शक हो जाए और आप ये आपका वीजा रिजेक्ट कर दें। और दोस्तों वीडियो के अंत में एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10वीं सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है सोलो ट्रेवलर्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं आजकल सोलो ट्रेवलिंग का ट्रेंड काफ़ी बढ़ चुका है और काफ़ी लोग सोलो ट्रेवल करना पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सोलो ट्रेवलर का वीजा हमेशा ग्रांट हो ही जाएगा, सोलो ट्रेवलर्स का वीजा रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि एक अकेला आदमी किसी देश में जाकर कोई इलीगल काम कर सकता है, अगर उसकी कोई एक्सीडेंट हो गई, कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो
ऐसे में उसे कोई देखने वाला नहीं होगा, वहाँ के गवर्नमेंट के लिए वो अकेले में सरदर्द बन सकता है। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत अगर कोई ग्रुप में जाता है तो ऐसी डाउट्स काफ़ी कम हो जाती है, या फिर कोई फैमिली के साथ जाता है तो एम्बेसी वालों को उतना शक नहीं होता। तो सोलो ट्रेवलर अगर आप पहली बार कहीं जा रहे हैं तो आपकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है कि वीज़ा रिजेक्ट आपकी हो जाए, और अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अगर अच्छी है तो आपके वीज़ा ग्रांट भी हो सकती है। इसका मतलब सोलो ट्रेवलर का मतलब ये नहीं होता है कि आपका वीज़ा हमेशा रिजेक्ट ही हो जाएगा। अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है और अगर आप जेन्युइन ट्रेवलर हैं तो आपकी वीज़ा आसानी से ग्रांट हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीज़ा रिजेक्शन से रिलेटेड मैंने लगभग सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स छूट गई हो या फिर कोई डाउट्स आपका रह गया हो तो आप मुझे बेचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन बहुत ही शुभ हो।